क्या हाल है भैया? बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया। और ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया भैया। मैं अभी गंगानगर से चलाऊंगी। अब सुबह? हाँ जी सुबह। हाँ जी सुबह चले हो? नहीं नहीं, सुबह मीन्स मैं स्कूलों में प्रोग्राम करता हूँ भैया। अच्छा, बच्चों को पढ़ाता हूँ प्लास्टिक अवेयरनेस के लिए। अच्छा, तो वैसे 6-7 दिन से चला हूँ। मानगढ़ के आसपास के जितने भी स्कूल थे उनमें गया हूँ। हाँ जी। और अगली पीढ़ी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, उसका रीयूज करें। या जो ये साला सर यात्री हैं जो जाते हैं वो सड़क के ऑल द वे, मतलब इतनी गंदगी कर रखी है जो पर्यावरण के लिए। हाँ जी, ये पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है भैया। इसी अवेयरनेस के लिए थैंक यू सो मच रुकने के लिए, धन्यवाद भैया। और इंस्टा फॉलो कर लेना मेरा प्लीज़, ताकि आपको अपडेट देते रहें। जय बढ़ेगी। थैंक यू भैया। बिल्कुल बढ़िया जी। और ठीक हो? कहाँ से आ रहे हो? मैं गंगानगर से आ रहा हूँ जी। गंगानगर से जयपुर। अच्छा, गंगानगर से जयपुर साइकिल पे? हाँ जी। अच्छा, और कोई सुविधा हमारे लग? नहीं नहीं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बस यही मैसेज है कि आप नेक्स्ट पीढ़ी को, बच्चों को, ये जो बोतलें फेंक रखी है, जो ये गंदगी हम कर रखी है, हाँ मैं इसी रूट से जा रहा हूँ भैया, इनकी वीडियो बनाते हुए, ताकि मैं साला सर का मंदिर है या जो ये ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लंगर लगाते हैं, हम उनको ये वीडियो दिखा के उनको एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम के लिए अवेयर कर पाए। आने वाले टाइम के लिए कि नेक्स्ट साल जब आप लंगर लगाओ तो इस तरह से गंदगी ना करो सड़कों पे, इसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। मैं इसीलिए जितने पैदल यात्री चले गए उसके बाद चलाऊँ 2 दिन बाद। अच्छा, तो मैं ये वीडियो बनाता जाऊँगा पूरे दूरशाला सर। ठीक है, थैंक यू भैया। कोई सेवा हो तो बताना। नहीं नहीं, ज़रूर, धन्यवाद भैया।
साला सर मात्र 44 किलोमीटर। यस वी आर वेरी सून अराइविंग। बहुत ही प्यारी रोड बनाई हुई है के लिए। और दूसरी तरफ ये अंधभक्तों के काम। आई फील सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, बट दिस इज द रियलिटी। ये रतनगढ़ में स्वागत है। ये गौ माता यहाँ कतरा खा रही है हमारे द्वारा गंदगी की, इसकी मौत का कारण एक दिन हम ही होंगे, उसे नहीं। ये हालात है रतनगढ़ के, जिस शहर में आज तक अभी तक इतने लंबे सफ़र में मैं गया हूँ। प्लास्टिक के मंजर, प्लास्टिक के पहाड़, प्लास्टिक की गंदगी हर तरफ है, और इनकी मौत के कारण भी हम ही हैं। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय भारत माता। सपनों का सफ़र, हम एक सफ़र के अंदर में होगा सर। वो चाल पड़े हाँ, रोड साला सर का नहीं, आदर स्टॉपिज चाहिए साला सर हुई। और बीच रास्ते में एक मंजर प्लास्टिक का, और दुखद बात यह है इनके ऊपर कोई मार्का नहीं है, कोई टैग नहीं है, कोई कंपनी का नाम नहीं है। यह इलीगल पैकिंग की जाती है 2 रुपये 3 रुपये के अंदर, और ये पूरी दूर है। इनके ऊपर तुम क्या कार्रवाई कर सकते हो ये तो मैं नहीं कहूँगा, पर तुम इसको यूज़ ना करो। जय भोलेगी, जय बाबेगी। हर दिन को जियो, कल को जियो, यही जिंदगी है।